न्याय किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है, उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है, वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे, उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा, लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे, ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट goes out to the people of Assam। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां चले गए लोहियावादी, उनको मैं भी सुनाना चाहता था, जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझकर के नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, लोहिया जी के शब्द है, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है, 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है, ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया,
ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। आदरणीय और कांग्रेस का हर कामकाज राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपास ही घूमता रहता है। जहां ज्यादा सीटें मिलती हो राजनीति की अपनी खिचड़ी पकती है, तो वहां तो मजबूरन से ही कुछ कर लेते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देश सुन रहा है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था, लेकिन अध्यक्ष जी मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत मणिपुर भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था, और उस समय सरकार किस थी मणिपुर में, किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे तब मणिपुर में सरकार किसकी थी?
जब अभिमान एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर थे, न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है, और पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए, हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे, उतनी शांति निकट आएगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आज भले हमें दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आसियान देशों में का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं, और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए कर रहा हूं, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं जी। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट की जाहो जलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, वो मैं देख सकता हूं, और इसलिए मैं लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसीलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को पहली प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने लगाए। आज आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक नए एयरपोर्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की पहचान बन रहे हैं। आज पहली बार अगरतला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन पहुंची है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चली है, पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, पहली बार अरुणाचल में सिक्किम जैसे राज्य एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार वाटरवेज के जरिए पूर्वोत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बना है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एम्स जैसा मेडिकल संस्थान खुला है, पहली बार मणिपुर में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है, पहली बार नागालैंड से एक महिला सांसद राज्यसभा में पहुंची है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में
नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार पूर्वोत्तर से लसित बोरफुकन जैसे नायक की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। पहली बार मणिपुर में रानी गर्डिल्लू के नाम पर पूर्वोत्तर का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो हमारे लिए नारा नहीं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन इस देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ सिर्फ देशवासियों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है, मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मैं मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं और वो थक भी जाते हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्रीय। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में मैं फिर से मौका दूंगा, लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मिन्दे ढूंढ करके आइए, ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो और देश की जनता को